वो है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर एक एप्लीकेशन है। किसकी एप्लीकेशन है? आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड है ये जो हम आज एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था, पहले एक बार फिर से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड के अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को स्ट्रेच करें, ओके, तो अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है, सेंट्रल फिंगर सेंटर हमारा सेंट्रल फिंगर अगर करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो जो थंब होगा वो मोशन की डायरेक्शन को दिखाता है, कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को। यही पढ़ा था हमने, ठीक। इसी पर बेस्ड हमारे पास ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर, या इसको हम डीसी मोटर भी कहते हैं, ओके। एक्चुअल में ये डीसी मोटर है क्या, सबसे पहले तो हम ये पढ़ लें। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज करो ये मेरे हाथ में एक फैन है, हाथ वाला फैन, उससे मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी अपना अपने हाथ से करा रहा हूं ये काम। अगर यही काम मैं इलेक्ट्रिसिटी से कराऊं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये मूव करने लग जाए, तो अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी कि मैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो मैकेनिकल वर्क करा रहा हूं। पहले मैं कौन कर रहा था उस वर्क को, मैं खुद कर रहा था, तो ये मैकेनिकल वर्क मैं खुद करा रहा था, ठीक है। मस्कुलर एनर्जी से किस क्या करवा रहा था, एक मैकेनिकल वर्क। अब लेकिन अगर ये काम किसी इलेक्ट्रिसिटी से कराने लग जाऊं, तो अब मैं इलेक्ट्रिकल वर्क से क्या करा रहा हूं, मैकेनिकल वर्क। क्या मैं कहूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी में। तो यही हम करने वाले हैं। या जो जो आपके फैन लगे हुए हैं इस रूम में, ये सब के सब क्या करते हैं, जब एक इलेक्ट्रिक सप्लाई आप इसको देते हो है ना, तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है ना। तो कौन सा वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ये मैकेनिकल वर्क। और आप देते कौन सी एनर्जी देते हो इनको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मैकेनिकल वर्क कहूँ या एनर्जी कहूँ वो एक ही बात है। तो ठीक है, तो ये कैसे काम करती है हम इसको देखेंगे। तो जब आप डीसी मोटर को एग्जाम में लिखकर आ रहे होगे, या जब पढ़ोगे इसको स्टडी करते वक्त, आप कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करोगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, ठीक है, कि ये डीसी मोटर होती क्या है, नंबर एक काम तो ये हो। दूसरा काम ये कि ये इसका प्रिंसिपल क्या है, ये वर्क कैसे करती है, ठीक है। इसका ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है ना, एक तो ये। फिर इसके बाद ये आपका सिस्टमेटिक डायग्राम हो जाएगा, ओके। फिर इसके बाद इसमें जो भी डायग्राम में आपने जो कुछ यूज किया है वो हो जाएगा बच्चों आपका कंस्ट्रक्शन। कौन सा पार्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब डायग्राम बनाने के बाद फिर आप क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन के बाद फिर ये वर्क कैसे कर रहा है, उसके लिए आप क्या लिखोगे, इसकी वर्किंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट क्या होगा बोलो, प्रिंसिपल लिखना, तीसरा कंस्ट्रक्शन जिसमें डायग्राम भी आएगा, और चौथा क्या होगा, वर्किंग। इन चार पार्ट को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। डेफिनेशन में मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी कि एक्चुअल में करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा वो हम बाद में सीखेंगे। प्रिंसिपल क्या है वो भी हमने बता दिया कि लेफ्ट हैंड रूल पर ये बेस्ड है। एक्चुअल में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, बना कब था, वो तब बना था कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब कहां रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स। ये हमने किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें हमने यही किया था, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था, तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा था, एक फोर्स, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। वही हम यहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक। तो प्रिंसिपल समझ में आ गया, हम क्या करने वाले हैं, हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, उसको कहां रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स, ठीक। अगर वो एक ऐसा कंडक्टर हो तो वो आपको फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो ऐसा करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं ऐसा एक कंडक्टर ना लेकर एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर ले लेता हूं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेता हूं, तो वो आपको कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको अभी के लिए सिर्फ ये बता देता हूं कि जो फोर्स होगा वो इस तरह का रहेगा
कि वो रोटेशन वाला इफेक्ट दिखाएगा। कैसा इफेक्ट दिखाएगा? रोटेशन वाला, यानी कि ये वाली जो साइड है ये एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होगी, यानी कि ये आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, और ये किधर कर रहा होगा, ये वाली साइड किधर एक्सपीरियंस करेगी, इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो अगर कोई चीज ये बाहर की तरफ जाना चाहती हो, ये अंदर की तरफ जाना चाहती हो, तो क्या बनेगा? एक कपल ऑफ मूवमेंट बनेगा, एक रोटेशन का इफेक्ट आएगा, है ना। तो जब भी रोटेशन वाला फोर्स हो तो रोटेशनल फोर्स का नाम क्या होता है? टॉर्क। क्या नाम होता है? टॉर्क। देखो फिर से, ये बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है और ये सीधा जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो आप सिंपल एक फोर्स टर्म यूज करते हो। अब इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है और ये रोटेट कर गई, तो इस पर कौन सा फोर्स लगा? तो आंसर है उसी फोर्स, फोर्स का नाम क्या रख दिया जाएगा? टॉर्क। तो अगर कहीं पर टॉर्क लिखा हो तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, फोर्स, बट कौन सा वाला फोर्स, जिसकी वजह से कौन सा इफेक्ट आया, रोटेशनल इफेक्ट। ये वाली बात आ गई समझ में? ठीक, तो ओके, ये हो गया इसका प्रिंसिपल कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, रोटेशन का इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगी। ये प्रिंसिपल हो गया। डेफिनेशन समझ आ गई, प्रिंसिपल समझ आ गया। अब बात करेंगे इसके फिगर की। ये जो आपके सामने फिगर बना रखा है, इसमें बच्चों हमने क्या क्या यूज किया है, वन बाय वन समझो आप। सबसे पहले मैंने यहां पर एक आर्मेचर यूज किया है। ये जो यहां पर टर्म बना हुआ है, ये जो एबीसीडी आपको दिखाई दे रहा है, ये एबीसीडी, ये आर्मेचर है, ठीक है, आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर क्या होता है? तो आंसर है ये सिंपली एक कॉइल है, ठीक है। ये क्या है? कॉइल। ये कॉइल क्या है, इसको आप ऐसे मान लो, एग्जाम्पल के लिए, कि आपने एक कॉपर का वायर लिया, ये कॉपर का वायर है, इस कॉपर के वायर पर आपने ऐसे नंबर ऑफ टर्न लगा दिए और कॉपर के वायर पर, ऐसा। या सिंपली आप एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर इस तरह का ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो आप आर्मेचर बड़े आसानी से बना सकते हो, घर पे भी बड़े आसानी से बन जाएगा। वायर लोगे ऐसे और इस तरह सा एक अरेंजमेंट बना लोगे रेक्टेंगुलर, क्लियर है, ओके। इसका हमने नाम रखा हुआ है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल, सिंपली, जिसको हम ऑल्सो क्या कहते हैं? आर्मेचर, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर है। दूसरी चीज आपको क्या दिखाई दे रही है इस फिगर में? ये मैग्नेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन मैग्नेट को हम फील्ड मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट क्यों कहते हैं इनको? तो आंसर है कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? फील्ड मैग्नेट। क्लियर है? अच्छा, फिर और आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो आंसर है कि और हमें यहां पर दिखाई दे रही है ये रिंग, ठीक है, बट ये रिंग टूटी हुई है, बीच में से स्प्लिट कर दी गई है। तो ये एक फुल रिंग थी जिसको बीच में से काट दिया, तो अब दो हाफ रिंग बन गई है, ठीक है ना। तो हमें दिखाई दे रही है दो हाफ रिंग, और ये जो दो हाफ रिंग हैं, इनको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं, ठीक है, ओके। ये क्या यूज में आएंगी उनको हम डिस्कस करेंगे आज, बट अभी फिलहाल हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये दो हाफ रिंग को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटर या सिंपली हाफ रिंग, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और क्या दिखाई दे रहा है? और हमें ब्रुशेस दिखाई दे रहे हैं, कार्बन के ब्रुशेस। ये जो दो लगा रखे हैं हमने, ये दोनों ही क्या है? ब्रुशेस। ये कार्बन के पीस हैं, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर पीस हैं, ठीक है, ये तो ये कार्बन के ब्रशेस हमने यूज किए हैं। और आपने क्या यूज किया है? और हमने बैटरी यूज की है एक, ये यहां पर हमने नीचे एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है। कितनी चीजें आपको दिखाई दी बच्चों फिगर में? वन, नंबर वन क्या दिखाई दिया बोलो? आर्मेचर। नंबर टू आपको क्या दिखाई दिया? फील्ड मैग्नेट। नंबर थ्री क्या दिखाई दी? हाफ रिंग। नंबर चार क्या दिखाई दिए? ब्रशेस। नंबर पांच आपको क्या दिखाई दिया? बैटरी, ओके। ये वाली बात क्लियर है? तो फिगर में क्या क्या दिखाई दिया, अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया। अब मैं वन बाय वन आपके साथ ये डिस्कस करता हूं कि इन सब का काम क्या है, ठीक है। नंबर वन, नंबर वन है बच्चों आर्मेचर, या हमारा कॉइल जिसे हम कहते हैं। इसका काम क्या है, हमने इसको क्यों लगाया है,
तो आंसर है हमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए था, ठीक। तो ये वो कंडक्टर है जिसमें हम क्या कैरी कराएंगे, करंट, ठीक है। तो एक कंडक्टर की जरूरत थी, बट हमने कंडक्टर एक स्ट्रेट कंडक्टर ना लेकर हमने एक कॉइल की फॉर्म में लिया है। वो हमने क्यों लिया है वो अभी हमें समझ आ जाएगा, ठीक है ये वाली बात। तो हमें कंडक्टर चाहिए, तो वो कंडक्टर ये हो गया एबीसीडी। आर्मेचर हो गया, समझ आ गया कि आर्मेचर क्या है, कंडक्टर, ठीक। अच्छा फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा ये जो कंडक्टर है हमें कहां पर रखना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फील्ड मैग्नेट की, मैग्नेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये जरूरत है हमें। अच्छा फिर इसके बाद आपको और किस चीज की जरूरत है, तो आंसर है हाफ रिंग की। इस हाफ रिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन होता है डीसी मोटर में, ये हाफ रिंग आपने यहां पर क्यों लगाई है। तो आंसर है कि सुनो, अगर हमने सपोज करो ये हाफ रिंग यहां पर नहीं लगी हुई है, ठीक, तो क्या हो रहा है कि ये जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर का एक एंड ये बैटरी से कनेक्ट है और दूसरा ये वायर ये दूसरे एंड से कनेक्ट है, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहां पर पहले ही आपको ये बता दिया कि इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, यानी कि ये घूमने वाला है, रोटेशन करेगा, तो आप एक बात बताइए, अगर ये रोटेशन करेगा तो क्या ये बैटरी और ये सब कुछ अरेंजमेंट इसके साथ रोटेट नहीं करेगा क्या? तो आंसर है करेगा। जब भी ये आर्मेचर घूमेगा तो इसके साथ अगर ये डायरेक्ट अटैच कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जितना अरेंजमेंट यहां पर नीचे लगा हुआ है बैटरी वाला, वो भी उसके साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। हम नहीं चाहते हैं कि बैटरी रोटेट करे, हम सिर्फ किसको रोटेट कराना चाहते हैं, आर्मेचर को, कॉइल को रोटेट कराना चाहते हैं। ये बात आ गई समझ में? तो अब इसके लिए कुछ अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा कि बैटरी रोटेट मत हो, केवल आर्मेचर रोटेट हो। तो इसके लिए क्या अरेंजमेंट हमने किया है बच्चों, सुनो ध्यान से, यहां पर हमने यूज किए हैं कार्बन ब्रशेस। तो ये जो बैटरी से जो करंट आ रहा था वो कनेक्ट किया ये वाला एंड इस कार्बन ब्रशेस से, ये वाला कार्बन ब्रशेस से, ये दोनों कार्बन के ब्रशेस फिक्स हैं, ये कहीं नहीं हिल रहे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये अपनी जगह पर है। कार्बन के ये जो ब्रशेस हैं ये वेरी गुड कंडक्टर है, ग्रेफाइट वेरी गुड कंडक्टर होता है, ठीक। तो ये ग्रेफाइट के हमने दो पीस लिए हुए हैं जो यहां पर लगाए हैं, जिनको मैं कार्बन ब्रशेस कह रहा हूं, ठीक है। तो ये अच्छे कंडक्टर हैं, तो यहां से इजीली करंट यहां पर फ्लो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद यहां पर दो रिंग मैंने ली हैं, सच दैट कि ये जो दो रिंग हैं इनको, ये एक रिंग थी पहले, उसको बीच में से तोड़कर मैंने एक रिंग जो ली वो इस आर्मेचर के एक एंड पर कनेक्ट कर दी, और जो दूसरा पीस था मेरा वो इस आर्मेचर के दूसरे एंड पर मैंने कनेक्ट किया हुआ है। जब ये आर्मेचर घूमेगा, रोटेट करेगा, तो ये दोनों रिंग भी आपस में रोटेट करेंगी इसके साथ। तो अब मेरा कौन कौन सा पार्ट रोटेट करेगा बताइए? तो आंसर है सिर्फ आर्मेचर और रिंग। जब भी रोटेशन की बात आएगी तो हम बिल्कुल क्लियर ये बात रखेंगे कि हमारा कॉइल रोटेट करेगा और उसके साथ कौन रोटेट कर रही होंगी, ये रिंग, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा अब इन दोनों रिंग को आपने स्प्लिट क्यों किया, सीधा एक बड़ी रिंग लगा देते है ना, तो और ये रिंग लगाई ही क्यों है यहां पर, पहली बात ये भी है। तो आंसर है कि देखो, अगर ये जो मैंने कार्बन ब्रशेस लगाए थे, अगर मैं इस वायर को डायरेक्टली लाकर यहां पर कनेक्ट कर देता तो वो जो प्रॉब्लम आ रही थी कि सब कुछ रोटेट हो रहा था, क्या वो दूर हो जाती? तो आंसर है नहीं दूर होती, क्योंकि अगर मैं इसको यहां कनेक्ट कर देता तो जब ये आर्मेचर घूमता तो ये ब्रशेस भी घूमते और ये बैटरी भी घूमती, घूमता या नहीं घूमता? तो हमने क्या किया, हमने इनको एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट दिया, ठीक है ना, एक कॉन्टेक्ट करने के लिए हमने इनको रिंग दे दी। उससे क्या होगा कि जब ये आर्मेचर घूमेगा, ठीक है ना, तो ये रिंग, क्या ये वाली जो रिंग है ये इस ब्रश के कॉन्टेक्ट में है अभी, जब ये घूमेगा तो ये वाली जाकर इधर आ जाएगी और ये वाली रिंग इधर आ जाएगी, तो ये वाली इसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगी, फिर ये वाली इसके कॉन्टेक्ट में, फिर ये वाली इसके, फिर ये वाली इसके, तो ये हर बार क्या करती रहेंगी, कॉन्टेक्ट में आती रहेंगी, किसके, इस ब्रश के कॉन्टेक्ट में, किसके कॉन्टेक्ट में आती रहेंगी, ब्रशेस के कॉन्टेक्ट में आती रहेंगी। ब्रशेस के पास क्या है, करंट, इन दोनों ब्रशेस के पास क्या है, करंट। तो अब ये सर्किट कंप्लीट हो जाए तो वो कंप्लीट कराने का काम कौन कर रहा होगा, तो आंसर है ये रिंग कर रही होंगी, है ना, इस आर्मेचर में करंट को फ्लो कराने का काम कौन करेंगी, ये रिंग करेंगी, करेंगी या नहीं करेंगी। देखो यहां से करंट, यहां से ये करंट आया, यहां तक करंट पहुंच चुका है, अब ये वाली जो रिंग है ये इसके साथ अटैच टच है, कॉन्टेक्ट में आ गई, इसके इसके कॉन्टेक्ट में आ गई, तो यहां से करंट फ्लो होगा इस तरह से,
होगा या नहीं होगा? होगा। और ये आई, ये आई और करंट यहाँ आया और ये वाली इसके कॉन्टेक्ट में है, तो ये करंट ऐसे फ्लो हो गया। तो बताइए सर्किट कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया? जब ये रोटेट करेगा तब क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इनका नाम क्या है? स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये कार्बन ब्रशेस के कॉन्टेक्ट में आ जाए इसलिए ये हमने यूज। पार्ट फिक्स है कार्बन ब्रशेस तक का, और ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये सब क्या करने वाला है? रोटेट करने वाला है। जिनमें से करंट सप्लाई का काम कौन करेगा? तो आंसर है रिंग करेंगी बाय कॉन्टेक्टिंग टू कार्बन ब्रशेस। ठीक है, ब्रशेस से वो कॉन्टेक्ट में आती रहेंगी और क्या पास करती रहेंगी? करंट की सप्लाई यहां पर करती रहेंगी। कैसे करेंगी वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इन सबके ये काम है। ये हाफ रिंग का काम आ गया, समझ में? हाफ रिंग क्या करेंगी? कॉन्टेक्ट, ये करंट का कॉन्टेक्ट देंगी। ठीक, और ब्रशेस का काम क्या है? ब्रशेस का काम है इनके कॉन्टेक्ट में आना और यहां पर करंट सप्लाई करना। ठीक है, ब्रशेस अपनी जगह पर रहेंगे, बस रिंग आएगी, यहां पर रिंग आई, यहां पर अटैच हुई, इसने इसको करंट दिया, दूसरी फिर घूमा, फिर कर रिंग आई, इसने इसको करंट दिया, फिर रिंग आई। तो ये हर बार क्या कर देगा? ब्रश तो अपनी जगह पर रहेगा, बस एक रिंग आती जाएगी और इससे कॉन्टेक्ट टच में होती जाएगी और करंट यहां पर सप्लाई होता रहेगा। ये होता है, होने वाला है। तो ब्रशेस का ये काम है। बैटरी का क्या काम है? वो तो आपको समझ आता है, ये पूरा चैप्टर ही पढ़ा है आपने इलेक्ट्रिसिटी। बैटरी का काम है करंट प्रोवाइड कराना। ठीक, तो ये जो पांच पॉइंट हैं ये आप कंस्ट्रक्शन में लिख कर आओगे। ठीक है, बताइए वन बाय वन। आर्मेचर का काम क्या है? आर्मेचर क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर की जरूरत है। तो आर्मेचर एक्चुअल में क्या होता है? हमारा कंडक्टर। उस कंडक्टर को कहां पर रखना है? मैग्नेटिक फील्ड में। इसलिए हमने क्या लगाई? फील्ड मैग्नेट। ठीक है, फील्ड मैग्नेट के बाद हमने लिखा स्प्लिट रिंग। ये जो स्प्लिट रिंग है ये एक्चुअल में क्या है? दो हाफ है। किसका? एक ही मेटालिक रिंग का दो हाफ है। और ये करते क्या है? ये आर्मेचर के एंड से कनेक्ट की गई है और ये जो हाफ रिंग है ये ऑल्सो रोटेट करती है विद द आर्मेचर। ये भी हमने नोट कर लिया है। ठीक, और फिर इसके बाद ब्रशेस यूज किए हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट में आते रहेंगे। और लास्ट आपने क्या यूज किया है? बैटरी। क्लियर है यहां तक? कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट जो चीज आपकी आती है वो है वर्किंग। ठीक है, ये सब चीजें वर्क कैसे कर रही होंगी? तो हमने कहा कि ये प्रिंसिपल, क्योंकि इसका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, तो इसलिए हम बात अपनी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए ये बैटरी आपको दिखाई दे रही है। इस बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इस बैटरी से करंट इधर से चलना स्टार्ट होगा, इस कार्बन ब्रशेस के पास पहुंचा। अभी इस टाइम ये वाली जो रिंग है इसके कॉन्टेक्ट में है और ये वाला जो आर्मेचर का ये जो बीसी वाला आर्म है, बीसी वाला आर्म, ये बीसी वाला आर्म इस रिंग से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब करंट यहां से चलेगा और ऐसे जाएगा। तो बताइए बीसी वाली आर्म में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? अभी अपवर्ड। कैसी दिखाई दे रही है? अपवर्ड, क्योंकि करंट इधर से चला तो कैसी है? अपवर्ड। क्लियर है? फिर ये आगे जाएगा जाएगा और एडी वाली आर्म में किधर जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और फिर इस वाले से, क्योंकि ये एंड इससे कॉन्टेक्ट में है और ये कार्बन ब्रशेस से कॉन्टेक्ट में है, फिर ये करंट ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो बताइए एडी वाली आर्म में करंट कैसा है अभी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों करंट की डायरेक्शन क्लियर है। ये कैसा है? अपवर्ड। बीसी वाले में अपवर्ड और एडी वाले में डाउनवर्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है, ये बात आप पहले से जानते हो। ठीक, तो अब हम वन बाय वन कौन सी आर्म कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ये हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं एडी आर्म की बात कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, फर्स्ट फिंगर से दिखाया जाता है, नॉर्थ से साउथ। क्लियर है? करंट डाउनवर्ड बन रखूं या अपवर्ड रखूं? इसके लिए डाउनवर्ड रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड करंट। अब बताइए ये वाली जो आर्म है एडी, ये किधर एक्सपीरियंस करेगी फोर्स? आउटवर्ड। किधर? आउटवर्ड। देखिए नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक, करंट किधर है? डाउनवर्ड। ठीक, तो फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगी? आउटवर्ड।
तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही करंट की सप्लाई की गई, हमने माना कि बैटरी से करंट सप्लाई हो रहा है, तो ये किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होगी? बाहर की तरफ। क्लियर है? तो यानी कि ये वाली आर्म बाहर उठना चाहती है, बाहर की तरफ निकलना चाहती है। क्लियर है? अब इस वाले पर लगाओ, फिर से नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ साउथ, ठीक। करंट किधर है? अपवर्ड। करंट किधर कर दिया मैंने? अपवर्ड। मैं ये तो नॉर्थ साउथ हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और करंट किधर कर दिया? अपवर्ड। अब बताइए मोशन किधर होगा? इनवर्ड। ये वाला किधर था? आउटवर्ड। ये वाला किधर एक्सपीरियंस करेगा? इनवर्ड। एट द सेम टाइम जब ये आउटवर्ड जाना चाहता है, एट द सेम टाइम ये किधर जाना चाहता है? इनवर्ड। तो अगर कोई भी चीज ये बाहर आना चाहती हो और ये अंदर जाना चाहती हो, तो बताओ क्या हो रहा है? ये रोटेशन। क्या हो रहा है? रोटेशन। क्लियर है? इसी रोटेशन को, अब क्योंकि ये फोर्स लग रहा है इसीलिए तो हुआ ये रोटेशन, तो ऐसा फोर्स जो रोटेशन का इफेक्ट ला दे उसे हम क्या कहते हैं? टॉर्क। तो मैं यहां पर क्या कहूंगा कि जब एक आर्म आउटवर्ड जाना चाहती है, एक आर्म इनवर्ड जाना चाहती है, तो मैं कहूंगा कि वहां पर क्या प्रोड्यूस हो गया है? टॉर्क। क्या प्रोड्यूस हो गया है? टॉर्क। तो वो आर्म क्या करेगी? रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, अब बच्चों ये जो मैंने अभी तक की बात आपको बताई है, इतनी बात वर्किंग में मैंने इस पैराग्राफ में लिख रखी है, जो वर्किंग वाला पार्ट जो आप नोट करोगे यहां से, ठीक है, इतने पार्ट में मैंने लिख रखा है, ठीक। कहां तक? यहां तक। ये रोटेट करना शुरू कर दी, कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। ये आउटवर्ड जा रहा था, ये इनवर्ड जा रहा था, तो ये कैसा जा रहा है बोलो? एंटी क्लॉकवाइज। अब इतनी कहानी और बता रहा हूं आपको कि ये वहां पर क्या चल रहा होगा। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। ये है ए, ए बी सी डी, ये ए डी है और ये बी सी है, ठीक है। अब मैं इसको 180 डिग्री के थ्रू घुमा रहा हूं, तो ये ध्यान रखना, ये ए और ये क्या है? डी। अब अगर इसको घुमा दिया जाए, ठीक है, तो जो चीज पहले इधर दिखाई देती थी, अब वो चीज किधर आ गई? इधर, ठीक। तो अब हमारा ए डी इधर आ चुका और बी सी इधर आ गया। अगर ये चीज 180 डिग्री घूम गई तो क्या होगा? ये बी सी तो इधर आ जाएगा और ए डी इधर पहुंच गया होगा। देखो ये यहां से, क्योंकि ये आउटवर्ड जाना चाह रहा था ना, तो ये आउटवर्ड आकर ऐसे घूम गया। तो अब ये पेज पलटता, जैसे आप पेज पलट देते हो ना, तो जो पेज का ये वाला एंड है वो ऐसा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये वाला एंड क्योंकि ये अंदर जा रहा था तो ये रोटेट होकर इस वाले एंड पर आ जाएगा। तो जो ए डी था वो क्या बन जाएगा? बी सी, और जो बी सी था वो क्या बन जाएगा? ए डी। जब कितना रोटेट हो जाएगी आर्मेचर? 180 डिग्री। क्लियर है ये वाली बात? ठीक। तो जब ऐसा हो जाएगा तो बताइए क्या होगा? तो आंसर है कि सर देखो, पहले बीसी वाली जो आर्म थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रही थी। जब बीसी वाली आर्म रोटेट करके 180 डिग्री के थ्रू जब यहां आ गई होगी, तो अब वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होगी बोलो? डाउनवर्ड। कैसा? डाउनवर्ड। करेगी या नहीं करेगी? और जो एडी वाली आर्म पहले डाउनवर्ड एक्सपीरियंस कर रही थी, जब वो यहां पहुंच गई होगी तो वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होगी? अपवर्ड। करेगी, ठीक। ऐसा करने से क्या होगा? तो मैं इसको एक बार यहां पर दिखा भी देता हूं आपको, पूरा नहीं बना रहा हूं बट आपको केवल समझाने के लिए, केवल इतना कि ये अब हमारा एडी हो गया और ये हमारा बीसी हो गया, ठीक। क्लियर? एडी वाला पहले डाउनवर्ड एक्सपीरियंस कर रहा था, अब कैसा एक्सपीरियंस कर रहा होगा? अपवर्ड, जब वो घूमकर इधर चला गया होगा। और जो बीसी वाला ऐसे घूमकर आ गया, अब वो किधर एक्सपीरियंस कर रहा है? डाउनवर्ड। बाकी का पूरा फिगर ऐसा ही है, सेम, ठीक। बाकी सब अरेंजमेंट ऐसे ही है, ठीक बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, अब बीसी वाली जो आर्म है वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा नॉर्थ से साउथ, ठीक, और करंट की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। और फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगी? आउटवर्ड, ठीक। एडी वाले के बारे में बात करें तो एडी कैसा एक्सपीरियंस करेगी? नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, करंट अपवर्ड, तो ये इनवर्ड, ठीक। तो इसका मतलब ये कह रहे हो आप कि जो एडी पहले आउटवर्ड एक्सपीरियंस कर रही थी और जो बीसी पहले इनवर्ड एक्सपीरियंस कर रही थी, अब जब वो 180 डिग्री के साथ रोटेट हो जाएगी, तो बीसी अब हमारा आउटवर्ड रोटेट कर रहा होगा और एडी हमारा
इनवर्ड रोटेट कर रहा होगा। कैसा? इनवर्ड। ये वाली बात सही है? ठीक, तो इसका मतलब तो ये है कि ये आउटवर्ड इनवर्ड, फिर आउटवर्ड इनवर्ड, ऐसा होता रहेगा। रुकेगा क्या? रुक थोड़ी जाएगा। देखो ये अंदर से जब ये आउटवर्ड आया, आउटवर्ड होकर ये यहां पहुंच गया, तब तक वो इधर आ चुका था, ठीक। फिर ये आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फिर ये जब इधर जाएगा, वो इनवर्ड एक्सपीरियंस कर रहा था, वो इधर आ जाएगा, फिर से वो आउटवर्ड एक्सपीरियंस करेगा, फिर इनवर्ड। तो ये आउटवर्ड इनवर्ड ये क्या होता रहेगा? चलता रहेगा, हर बार ये आउटवर्ड ये इनवर्ड, वो बस आर्म चेंज होती रहेगी, आउटवर्ड इनवर्ड ये चलता रहेगा। तो इस तरह से जो कॉयल है वो क्या कर देना शुरू हो जाएगी, रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वाली बात ठीक है? तो रोटेट होना स्टार्ट हो गई तो आप क्या कहते हो कि मोटर स्टार्ट हो गई। जब आप मोटर को देखते हो तो वो क्या करती है, इस तरह से रोटेट होना स्टार्ट हो रही है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एडी बीसी बन रहा है, फिर बीसी एडी बन रहा है, फिर एडी बीसी बन रहा है, और हर बार इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड, जब ऐसा होता रहेगा तो क्या होगा, रोटेशन बनना लग जाएगा, और इस तरह से ये डीसी मोटर अपना काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक। अभी डीसी मोटर काम करना स्टार्ट कर देगी, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि आपने क्या सप्लाई किया था, तो आंसर है करंट, और इससे क्या हो रहा है, तो आंसर है मैकेनिकल वर्क, किसी चीज को घुमाना, क्या है, मैकेनिकल वर्क। ये जो फैन लगा हुआ है इसको मैं हाथ से घुमाऊं, है ना, तो ये काम मैं अभी करा रहा हूं अब, लेकिन मैं स्विच ऑन कर दूं तो ये वैसे ही घूमने लग जाएगा, तो ये कैसे घूम रहा है, तो आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी बन रही है ना, क्लियर है ये वाली बात। तो इसका मतलब ये है कि करंट देने पर इस आर्मेचर ने, इस करंट ने इस आर्मेचर को रोटेट कराया, मैकेनिकल वर्क कराया, तो ये काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी डीसी मोटर को आप फैन में लगा देते हो तो फैन के ब्लेड घूमना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप ये सोचो कि ये यहां पर ब्लेड लगे हुए हैं, ऐसा सोचो आप, तो अगर डीसी मोटर के साथ के अरेंजमेंट में यहां पर ब्लेड लगे होंगे, तो जैसे मोटर आप स्टार्ट करोगे तो ब्लेड क्या करना शुरू कर देंगे, रोटेट, क्योंकि ये जो आपका आर्मेचर है ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब इसके साथ अगर आप ब्लेड लगा दोगे तो वो ब्लेड भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये बस आपको काम कराना है डीसी मोटर से। तो ये हो गई बच्चों इसकी वर्किंग। सबसे पहले वर्किंग में आप क्या करोगे, बोलो सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले आप ये लिखोगे कि अगर बैटरी यहां पर करंट सप्लाई कर रही है तो एडी आर्म क्या करेगी, क्योंकि उसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए वो एक आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, स्टॉप। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, बीसी आर्म जो कि जिसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो एक एट द सेम टाइम इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ये लिखोगे। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड मिलकर क्या क्रिएट कर देगा, वहां पर एक टॉर्क, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पैरा में आप क्या लिखोगे, सेकंड पैरा में आप ये लिखोगे कि आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री इस कॉइल का जो बीसी आर्म है वो एक्सपीरियंस करने लगेगा आउटवर्ड फोर्स, और एडी आर्म एक्सपीरियंस करने लगेगा इनवर्ड फोर्स। इस तरह से ये जो रोटेशन है ये कंटिन्यू चलने लगेंगे और हमारा मोटर स्टार्ट हो गया रोटेट करना, ये इसकी क्या है, वर्किंग, ठीक। तो ये चार पॉइंट में आपको सारी कहानी बतानी होती है। तो ये जो डेफिनेशन थी, क्या ये अब आपको समझ आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बन रही है, मैकेनिकल वर्क करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वो डिवाइस हो गई। प्रिंसिपल क्या है, करंट कैरिंग कॉइल है ये, करंट हमने दे रखा है, करंट कैरिंग कॉइल है, कहां रखी गई है, मैग्नेटिक फील्ड में, क्या करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, ठीक। कंस्ट्रक्शन में सारे पॉइंट, नंबर वन कॉइल को क्यों रखा है, क्योंकि हमें एक कंडक्टर चाहिए जो कि करंट कैरी करेगा। मैग्नेट्स क्यों लगाए हैं, क्योंकि उस कंडक्टर को हमें मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। स्प्लिट रिंग क्यों लगाई है, स्प्लिट रिंग एक्चुअल में एक सेम मेटालिक रिंग का दो हाफ है जो कि इस आर्मेचर के साथ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और रोटेट करते वक्त ये इस आर्मेचर को क्या सप्लाई करते हैं, करंट। कैसे सप्लाई करते हैं, ये किसके कांटेक्ट में बने रहते हैं, कार्बन ब्रशेस के कांटेक्ट में, ठीक है। और ये जो कार्बन ब्रशेस लगा रखे हैं हमने, इनको हमने बैटरी से अटैच किया हुआ है और ये फिक्स है अपनी जगह पर। मेटालिक रिंग जो आती है वो रोटेट होकर इनके साथ कैसे हो जाती है, कॉन्टेक्ट में आ जाती है, इसीलिए इन कार्बन ब्रशेस को हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। रिंग आती है और यहाँ पर कॉन्टेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चलता रहता है। एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर बताइए कितना है, 240।
पेज नंबर 240 पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्या क्वेश्चन है? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये आपने लेबलिंग की हुई है, कौन सी चीज क्या है, ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये लिखा हुआ है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फिर क्या पूछा बच्चों? एंड वर्किंग। तो वर्किंग आप ये लिखकर आ जाओगे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर इस वाले बोर्ड पर लिखी हुई है। ओके, ये वर्किंग यहाँ से नोट की जा सकती है, ये। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर। वो स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है? आर्मेचर को करंट सप्लाई करना, ठीक है।